प्रोफेसी पांच तरह की होती। सबसे बड़ी प्रोफेसी जो आपको चाहिए वो नहीं जो मैं दूं, वो है जो ऑलरेडी वचन में लिखी हुई है। परमेश्वर का वचन आपके लिए सबसे बड़ी प्रोफेसी है। मैं आपको साबित कर दूंगा। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रोफेसी, सबसे बड़ी भविष्यवाणी जो पहली कैटेगरी में सबसे ऊपर आती है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। इसीलिए जब आप लाखों की गिनती में भी यहां आते हैं तो दो दो घंटे आपको वचन सुनाया जाता है। वो क्यों? अगर मेरे पास, अगर प्रभु ने हीलिंग पावर मुझे दी है या प्रोफेसी पावर दी है, मैं हीलिंग और प्रोफेसी को चार घंटे क्यों नहीं चलाता और वचन को सिर्फ आधा घंटा क्यों ना चलाऊं? अगर मैं प्रोफेसी अब एक एक पे करूंगा तो अगले दो घंटे में सिर्फ 100 लोगों पे करूंगा, पर अगर मैं वर्ड ऑफ गॉड दूंगा तो ये प्रोफेसी सबके लिए होगी। और अगर आप वचन की प्रोफेसी ले सकते हैं, वचन सुन सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं, तो ये हाईएस्ट टाइप की प्रोफेसी है। जो पहली प्रोफेसी सबसे बड़ी आपकी लाइफ में आती है वो खुदा का वचन है, वर्ड ऑफ गॉड है, जो सबसे बड़ी प्रोफेसी है। दूसरी प्रोफेसी कौन सी है? जो आपको एक मैन ऑफ गॉड देता है। आप डिक्लेरेशन सुनते हैं, घोषणाएं सुनते हैं, चर्च में जब प्रार्थना होती है आप आमीन बोलते हैं, उसे रिसीव करते हैं, ये दूसरी तरह की प्रोफेसी। तीसरी तरह की प्रोफेसी जो आपका चरित्र करता है आपकी लाइफ के लिए, ये तीसरी प्रोफेसी है। आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो अपनी लाइफ का चरित्र देख लो। आपका जैसा चरित्र है आपका वैसा फ्यूचर होगा, ये तीसरी तरह की प्रोफेसी है। आप मुझे अपना चरित्र बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बताऊंगा। बोलते रहे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं कह रहा हूं आप मुझे अपना कैरेक्टर बताओ, मैं आपका फ्यूचर आपको बताऊंगा। ये तीसरी तरह की प्रोफेसी, आपका चरित्र। चौथी प्रोफेसी आपका परिवार है। आपका परिवार आपके लिए प्रोफेसी है। अगर आपके नानी को यूट्रस में प्रॉब्लम है, आपकी मदर को यूट्रस में प्रॉब्लम है, तो ये एक तरह की शैतानी प्रोफेसी है कि आप भी उस पचड़े में फंस सकते हैं अगर आपने प्रेयर ना की उस प्रोफेसी के खिलाफ। आपके दादा गरीबी से निकले, पापा गरीबी से निकले, तो ये इनडायरेक्ट एक प्रोफेसी है जनरेशन की कि वो गरीबी का आत्मा आपको छूने की कोशिश करेगा जब तक आप परमेश्वर के वचन में जाके बोएंगे नहीं, प्रेयर नहीं करेंगे, अपनी जिंदगी को परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलाएंगे, तो वो एक प्रोफेसी है कि वो गरीबी आपका हिस्सा होगी अगर आपने ध्यान नहीं दिया। ये चौथी तरह की प्रोफेसी है। पांचवी तरह की प्रोफेसी आपके दुश्मन आप पे करते हैं। जिस तरह आज आपने गवाही सुनी होगी, तू कभी बाहर नहीं जा सकता, तेरी कभी शादी नहीं होगी, तू कभी सफल नहीं होगा, वो आपके रिश्तेदार करते, आपके दुश्मन करते, अपने करते, पराए करते, जो बाबाओं ने आपके खिलाफ पैसा खाया होता है वो लोग करते हैं। और ये प्रोफेसी भी आप तोड़ सकते हो क्योंकि आपके अंदर जो है उससे बड़ा है उस बाबे से जो उसके अंदर है। तो आज मैं पहली प्रोफेसी की बात करूंगा जो परमेश्वर का वचन है। आपने प्रोफेसी की पावर देखी है, ये पहली गवाही नहीं थी चर्च में। हां, ये पहली गवाही नहीं है प्रोफेसी। आप ये सोचो, अगर मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं आपकी लाइफ में ये गवाही है, सोचो अगर आपने वर्ड ऑफ गॉड फॉलो कर लिया जो इस प्रोफेसी के भी ऊपर है तो आपकी लाइफ कैसी होगी। हाँ है ना? आप जब बाइबल पढ़ते हो, आप जानते हैं जब शादी होती तो दूल्हा दुल्हन खड़े होते हैं और पास्टर वचन दे रहा होता है, 99% लोगों को पता क्या लगता है? हाँ हाँ, बाइबल में से बात हो रही। सब लोगों को ऐसा लगता है। एक वर्ड में, एक लाइन में इतनी ताकत है कि आपके जनरेशंस को बिगाड़ सकती है या सुधार सकती है। अपने ओरिजिनल वचन में जाने से पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहूंगा, इफिसियां 5
उसकी 22 आयत उसकी 25 आयत को मैं पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। उसमें लिखा हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। पति पत्नी का सिर है जिस तरह मसीह प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें। पतियों को बोला हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जिस तरह मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। सब बोलो आमीन। 28 आयतों में पढ़ूंगा, इस प्रकार उचित है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करे, और जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वो अपने आप से प्रेम करता है। किसी ने भी अपने शरीर से बैर नहीं रखा वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीही भी कलीसिया के साथ करता है। इस कारण मनुष्य अपने माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। सब बोलो आमीन। आपको लगता है ये वचन कितना सिंपल और कितना छोटा है? हाँ, और हम सदियों से सुनते आ रहे, उत्पत्ति 26 और 27 बाब, और मैं 27 बाब से सिर्फ 1 से लेकर 4 आयत पढ़ूंगा। जब इसहाक बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें धुंधली पड़ गईं, उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा हे मेरे पुत्र। उसने कहा क्या आ गया? इसहाक ने कहा सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, नहीं जानता कि मृत्यु का दिन कब होगा, परंतु तू अपना तरकश धनुष लेकर मैदान में जा और मेरे लिए शिकार करके ले गया और मेरे रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ला, ताकि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दूं। एसार एहेर करने यानी शिकार करने के लिए मैदान में गया। जब इसहाक अपने बड़े बेटे एसाव से बात कर रहा था तो रिबिका सुन रही थी, रिबिका उसकी पत्नी है इसहाक की। इसलिए उसने अपने छोटे पुत्र याकूब से कहा सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से ये कहते सुना है कि तू मेरे लिए शिकार करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना, ताकि मैं मरने से पहले तुझे आशीष दे सकूं। इसलिए हे मेरे पुत्र मेरी आज्ञा मान, बकरियों के पास जाकर तू अच्छे अच्छे बच्चे लेके आ और मैं तेरे पिता के लिए खाना बनाऊंगी, तब तो अपने पिता के पास उसे ले जाना, ताकि वो मरने से पहले तुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने कहा सुन, मेरा भाई तो रुआर पुरुष है, यानी उसके शरीर पर बाल ही बाल है, और मैं रोमहीन यानी मेरे शरीर के ऊपर बाल नहीं है। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में चोर ठहरूंगा और आशीष के बदले शाप कमाऊंगा। उसकी माता ने कहा मेरे पुत्र श्राप मुझ पर आए, तुझ पर नहीं, तू सिर्फ मेरी बात सुन और जाकर वही कर जो मैंने तुझसे बोला है। सब बोलो आमीन। कितने इन बात को समझ गए हैं इस वचन को? इसहाक के दो पुत्र थे, बड़ा और छोटा। बड़ा का नाम क्या था? एसाव। जुड़वा थे, एक पहले हुआ एक बाद में हुआ। दूसरे का नाम क्या था? याकूब। इसहाक ने कहा याकूब को नहीं, मैं एसाव को आशीषित करना चाहता हूं, एसाव जा और शिकार कर मेरे मन पसंद का खाना बना, ताकि मेरी स्पिरिट खुश हो और मैं मरने से पहले तुझे आशीष दूं। और उसकी पत्नी ये बात सुन रही थी, उसकी पत्नी जो थी वो याकूब से ज्यादा प्यार करती थी, और उसने कहा याकूब तेरे बाप ने बड़े बेटे को आशीष देने के लिए बोला, अब तुम मेरे अनुसार कर, क्योंकि वो धुंधला था, उसकी आंखें दिखता नहीं था इसहाक को। तू ऐसा कर, तू खाना बना के लेके आ और मैं तुझे पिता के पास भेजूंगी, तेरे हाथों पर और गले पर मैं बकरी के बाल लगा दूंगी, ताकि वो तुझे जब टटोलने लगे तो उसे तेरा बड़ा भाई लगे, और इस तरह से तू आशीष अपने लिए लेके वापिस आ जा। समझ आई के नहीं? एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूं। आप जानते हैं लेडीज और बंदे क्या बोलते हैं? कई बार बंदे बोलते हैं मैं अपनी पत्नी के साथ इसलिए हूं क्योंकि मेरे बच्चों की वजह से। हाँ, और पत्नियां बोलती है मैं इधरल इस करके यहां क्योंकि अपने बच्चियां की वजह के नाल असी इकट्ठे हैं। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हैं अपनी मैरिज लाइफ में, आप फेल हो चुके हैं अभी। अगर आप अपने बच्चों
से ज्यादा प्यार करती हैं अपने हस्बैंड से। और अगर आप अपनी वाइफ से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करते हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। मैं तो तवान आ रहे थे मेरे न्याणी ना हो मैं कादी चली जावा। हाँ बंदा मेरे छाटे यार बच्चे करके रहना मैं कड़ा इन। हाँ आप ऑलरेडी फेल हो। बस आपका डाइवोर्स नहीं हुआ आप ऑलरेडी फेल हो महाफेल हो आप अपने घरों में। अगर आप अपनी वाइफ से अपने बच्चों से ज्यादा प्यार नहीं करते हो तो आप ऑलरेडी फेल हो चुके हो अपनी मैरिड लाइफ में। प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? मेरा फेवरेट कौन है? एसाव। वाइफ का फेवरेट कौन है? याकूब। मैं चाहता हूं एसाव को आशीष दूं वाइफ चाहती है याकूब को आशीष मिले। अब हुआ क्या? अब इसहाक की गलती क्या है? क्योंकि अगर आत्मिक लोग भी गलती करें तो उनको सजा भुगतनी पड़ती है उस गलती की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं नहीं चाहता तू अंधों की तरह चले ज्ञान के बिना मेरी प्रजा नाश हो रही है ना कि शैतान की वजह से ना कि बीमारियों की वजह से। क्यों कहा परमेश्वर ने? जिस तरह मसीह कलीसिया का क्या है सिर है उसी तरह तुम्हारा सिर कौन है? पति। कहता हर बात में अपने पति के अधीन रहे। पति को कहता जिस तरह मसीह ने तुम्हारा पालन पोषण किया है देह का। आपको अच्छा लगेगा जिस दिन यीशु मसीह आपकी प्रार्थना ना सुने आपकी जरूरतों को पूरा ना करे क्योंकि आप उसका शरीर है वो आपको त्याग दे आपको अच्छा लगेगा? यही महसूस होता है आपकी वाइफ को जब आप उन्हें त्यागते हैं। हालेलुया। अगर इसहाक और रिबिका इकट्ठे होते वो दोनों मिल के बैठते सलाह करते हाँ कि मैं आशीष देना चाहता हूं एसाव को। वाइफ कहती नहीं याकूब को भी आशीष दो क्योंकि पहलौठे बच्चों को ज्यादा आशीष मिलती थी। आज के जमाने में अगर दो बच्चे हैं तो 50-50, चार बच्चे हैं तो 25-25%। तब ऐसा नहीं होता था। जो बड़े बच्चे होते थे उनको 70-80% मिलता था बाकी बच्चों में 20% बढ़ जाता था। अगर दोनों में बंदी होती तो दोनों साथ बैठते और सलाह करते। और अगर इसहाक अपनी पत्नी से प्यार करता तो अपनी पत्नी की बात को कभी भी वापिस नहीं जाने देता। और अगर वो भी अपने पति के अधीन नहीं होती तो जाके अपने पति के सामने सारी बात रखती कि मुझे ये बात आपकी पसंद नहीं आई हमें इस बात को चेंज करना है। आपको दो आशीष सोच के रखनी। आप दे दो 60-70% एसाव को पर याकूब के लिए भी 30% संभाल के रखो। पर दोनों में कोई इंटीमेसी नहीं कोई ध्यान नहीं आपस में कोई प्यार नहीं। और बाइबल क्या कहती है? अपनी पत्नी से अपने समान प्यार कर अपने पति के अधीन रहे। लाखों घर टूट चुके हैं और आपको लगता है कि आपके दादा दादी इकट्ठे हैं पर वो है नहीं। माता पिता इकट्ठे हैं पर वो है नहीं। बच्चों की वजह से साथ रहने का मतलब ये है आप ऑलरेडी डाइवोर्स हो चुके हो बस पेपर नहीं आपके पास डाइवोर्स के। बाइबल कहती है अगर पति और पत्नी एक मन नहीं है तो उनकी प्रार्थनाएं रुक जाएंगी। बाइबल कहती है पौलुस ने कहा तुम्हारी प्रार्थनाएं ना रुके और शैतान का दाव तुम पर ना चले इसलिए पति और पत्नी दोनों एक मन रहो। ये बाइबल की प्रोफेसी है। एक वचन छोटा सा आप देखो हुआ क्या? मां की चली कैसे उसने अपने बेटे को भेजा स्वादिष्ट खाना बना के उसके उसके बाल बाजुओं पर बकरी की खाल बांध दी गले पे बकरी की खाल बांध दी। जब वो लेके गया अपने पिता के सामने उसका पिता बोला इतनी जल्दी कैसे आ गया तू शिकार करके? कहता तेरे परमेश्वर ने उसको मेरे हाथ में कर दिया। झूठ बोला उसने जब देखा टटोला या ये तो वाकई मुझे बोल तो याकूब सा लगता है पर इसके कपड़ों की स्मेल जब उसने हाथ लगा के देखा बाजुओं पे ये तो बालों वाला पुरुष है ये ऐसा भी है तो उसको आशीष दी। जब ऐसा आया मांस का लेके तो उसने कहा मैं तो आशीष दे चुका हूं। और बाइबल कहती एसाव ने अपने मन में ठान लिया कि जब मेरे फादर की डेथ होगी मैं याकूब को भी
मार दूंगा। उसकी वाइफ को फिर पता चला कि एसाव ने ऐसा सोचा, यकूब को भगाना पड़ा उसे अपने घर से। हा के ना भगाया कि नहीं भगाया। अब इमेजिन करो, सिर्फ चार जन है फैमिली में, कौन कौन? फादर, मदर, दो भाई। अब एक भाई चला गया कहां पे? मीलों दूर। वाइफ का मुंह उधर है क्योंकि हस्बैंड उससे नाराज है कि तूने ऐसा क्यों किया। हस्बैंड का मुंह इधर है, एक बेटा दूर है, और दूसरा बेटा जो एसाव बचा उसने इश्माइल की बेटी के साथ शादी की जिससे इजहाक नफरत करता था। पूरी फैमिली टूट गई उनकी। रीजन क्या निकला? हस्बैंड और वाइफ की आपस में ना बनना। दो भाई, एक कहां चला गया? एक दूर चला गया क्योंकि एक भाई उसको मारना चाहता है। उसकी मां ने बोला था, कहती आशीष तुझको लगे और श्राप मैं कमाऊं। अपने अपने लाइफ के जीते जी रिबिका याकूब को दोबारा कभी नहीं देख पाई जब वो चला गया उसके घर से। अपने फेवरेट बेटे को अपने लाइफ टाइम उसने कभी नहीं देखा। क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती ये? हाँ, क्या आपको ट्रेजेडी नहीं लगती? मैंने कहा क्या दुखी होने वाली बात नहीं है क्या? हाँ, कि जिससे आप प्यार करते हो वो चला गया। हस्बैंड से आपकी बनती नहीं। जिस बेटे के लिए किया वो बेटा दूर भेजना पड़ा, और जो बेटा दूसरा था वो दूसरे का दुश्मन है। अब वो बेटा ना तो बाप को भुला रहा है क्योंकि उसने इश्माइल की बेटी के साथ शादी की जो इसहाक नहीं चाहता था, वाइफ के साथ मां के साथ बनी नहीं क्योंकि उसने छोटे भाई का साथ दिया। सारी फैमिली कचरा हो गई। रीजन क्या निकला? एक वचन तोड़ना। क्या था वो वचन? पत्नी अपने पति के अधीन रहे, पति अपनी पत्नी से प्यार करे। आपको क्या लगता है? छोटा सा वचन, कोई प्रॉब्लम नहीं टूट गया तो, पर उसका असर कहां जाएगा? यीशु मसीह के मुंह से निकला वचन छोटा सा आपकी जनरेशन बना सकता है या बिगाड़ सकता है। आप देखो, जनरेशन बनानी है कि बिगाड़नी है? हालेलुया। अगर मेरे बच्चे को मेरी पत्नी ने कुछ करने के लिए मना किया और उसे मालूम है कि पापा के पास जाओ कुछ हल हो जाएगा, और मेरे पास आए, मैं वो करूं? मैंने कहा मम्मा ने क्या बोला? मम्मा ने कहा नहीं करना। मैं कहा वही फॉलो करो जो मम्मा ने कहा। हाँ, जब वो छोटे है उसे मालूम होगा कि ये दोनों टूटने वाले नहीं है। अगर एक ने नौ कहा तो दूसरे की भी क्या है? अगर आप सहमत नहीं है मां की नौ से तो बच्चे को ये चीज बतानी होनी चाहिए। वो आपके अंदर का फैसला है जो बाद में बदला जा सकता है। बाप का फेवरेट ये है, मां का फेवरेट ये है, रखो फेवरेट, पर मां और बाप का नंबर वन फेवरेट वो आपस में होने चाहिए, उनके बच्चे नहीं। अगर आपके बच्चे आपके फेवरेट हैं, आपका हस्बैंड नहीं या आपकी वाइफ नहीं, तो आप उस बंदे के समान है जो हीलिंग तो चाहता है पर हीलर को नहीं चाहता, जो चंगाई तो चाहता है पर चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह को नहीं चाहता, जो एक फादर का एक मैन ऑफ गॉड का मसा तो चाहता है पर उस मैन ऑफ गॉड को नहीं चाहता। कितने मूर्ख है वो इंसान जो अपने बच्चों से तो प्यार करते हैं पर जिस शरीर से जिस औरत से वो बच्चे निकले हैं उसको वो नफरत करते हैं। क्या मूर्खता वाली बात है कि जिस शरीर से तुम प्यार करते हो बच्चों से वो जिस शरीर से निकला है उससे तुम नफरत करते हो। आप ऑलरेडी अपने डिजास्टर की अपने विनाश की भविष्यवाणी कर चुके हो ये बात करके। जब दाई बच्चा पैदा नहीं करती तो दुखी होती है मां। हां, अंग पैर पेट फट जाता है, कई बार दर्द ज्यादा टाइम लगी रहती है, समझ नहीं आती। जब दाई होती है तो आसानी होती है। आपकी वाइफ आपके लिए दाई के समान है। आपको जो दर्शन प्रभु ने दिया बंदों को, मेन को, जेंट्स को, मर्दों को, आप उस दर्शन से प्रेग्नेंट है, और आपका हेल्पर आपकी वाइफ। आप बच्चा पैदा कर सकते हो विदाउट वाइफ विदाउट हेल्पर, पर आप दुखी होके करेंगे।
इसलिए पौलुस ने कहा सिर्फ प्रार्थना करने के वक्त अलग हो और किसी भी बात के लिए नहीं। आमीन। और ये दो तरफा काम है, एक तरफा नहीं। मैं हैरान हूं आपके घरों में आपकी वाइफ्स को ये नहीं मालूम कि आप कितना पैसा कमाते हो। कितनी हैरानी वाली बात है ये। क्यों? क्योंकि बंदों को भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर मैं असली तनख्वाह बताऊंगा तो पैसे इधर उधर जाएंगे। और अगर बंदों को कॉन्फिडेंस हो कि पैसे इधर उधर नहीं जाएंगे, वो भी अपनी फुल तनख्वाह बताएंगे। और जब आप हर एक चीज ओपनली एक दूसरे के सामने रखेंगे तो आपकी प्रार्थनाएं ज्यादा कबूल होंगी, आपका घर ज्यादा स्ट्रांग होगा और शैतान का वार आपके घर पे नहीं चलेगा। एक गलती क्या थी वो? अपनी वाइफ के साथ कोई इंटीमेसी नहीं है, कोई प्यार नहीं है। मेरा 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 फेवरेट कौन है? एसाव। हो सकता है एसाव उसको शिकार का मांस और शिकार का भोजन खिलाता हो और जब वो रिबिका से बोलता हो खाना बनाई, ओ नहीं है मैं बिजी है। जो चीजें आपको ग्रेट बनाती वो क्या है? छोटी। जो आपको गिराती है वो क्या है? पर है क्या? बड़ी। वाइफ और हस्बैंड में जो चीजें एक दूसरे से दूर करती है वो क्या है? छोटी। अगर मेरी वाइफ ने मेरे बेबी को नाम बोला, वो मेरे पास आके उसे हां में तब्दील नहीं कर सकता। आमीन। वो ना ही है और उसको मालूम है कि ये मम्मी ने कहा या पापा ने कहा, बात एक ही। अगर मैंने ना बोला और मेरी वाइफ के पास वो मनाने के लिए गया या गई, तो वो भी ना ही है। क्योंकि हम उससे जरूर पूछते हैं मम्मी ने क्या बोला था, या मम्मी बोलेगी पापा ने क्या बोला था, पापा ने नहीं बोला था, जो नहीं है काके। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक